हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंस या ब्रेन रे। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं आईसीआर जेआरएफ या आईसीआर एसआरएफ इन हॉर्टिकल्चर और आईसीआर नेट इन वेजिटेबल साइंस। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इन द सेक्शन ऑफ वेजिटेबल साइंस द प्री बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस वी विल डिस्कस अबाउट द 110 क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ इन हॉर्टिकल्चर और आईसीआर नेट एग्जाम और अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू वेजिटेबल साइंस। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज करम साग इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन। करम साग जो है जिस ये कहते हैं हम मेनली केल जो होती है हमारी ब्रासिका ओलिरेशिया वार एसेफला जिसको करम साग कहा जाता है। तो मोस्टली ये जो कल्टीवेट की जाती है स्पेशली इन द जे एंड के रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वहां पे कल्टीवेट की जाती है। बट जो ऑप्शंस थी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो जे एंड के ऑप्शन में नहीं था। तो आफ्टर जे एंड के इट इज पॉपुलर इन द हिमाचल प्रदेश। सो द राइट आंसर हेयर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच वैल्यू इन द प्रोसेसिंग कल्टीवार्स ऑफ टोमेटो इट शुड बी लेस देन 4.5 फॉर द प्रोसेसिंग कल्टीवार्स जो टोमेटो के फ्रूट्स हैं उनका जो पीएच है दैट शुड बी लेस देन 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिट्रोस्टाइल इज फाउंड इन विच वेजिटेबल। हिट्रोस्टाइल मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड बेस्ड ऑन द स्टाइल पोजिशन। जैसे कि हिट्रोस्टाइल मेनली फाइंड आउट की जाती है ब्रिंजल में। तो ब्रिंजल में फोर टाइप्स के फ्लावर होते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड मीडियम स्टाइल्ड सूडो शॉर्ट स्टाइल्ड एंड शॉर्ट स्टाइल्ड। स्पेशली जो ब्रिंजल में आप याद रखिएगा जो फ्रूट सेट होता है वो लॉन्ग स्टाइल और मीडियम स्टाइल फ्लावर्स में ही होता है। जो सूडो शॉर्ट स्टाइल होते हैं या बिल्कुल ट्रू शॉर्ट स्टाइल जो फ्लावर होते हैं उनमें बिल्कुल भी फ्रूट सेट नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रूट सेट होता है वो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में होता है। मतलब जहां पे स्टिग्मा जो वो प्रोट्यूड कर जाता है एंथर्स को, मतलब स्टिग्मा की पोजीशन जो होगी वो एंथर से थोड़ा अपर लेवल पे होगी। सो हिट्रोस्टाइली इज फाउंड इन द ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलिनिटी टॉलरेंट वेजिटेबल इज। सैलिनिटी टॉलरेंट वेजिटेबल कौन सी है इसमें से, तो दैट इज योर बीट रूट इज मोर टॉलरेंट टू सैलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेज ट्रायल जीन इन मस्कमेलन कंट्रोल्ड बाय सिंगल रिसेसिव जीन। तो मेज ट्रायल का जीन कौन सा मस्कमेलन दैट इसमें से देखेंगे हम। तो अमंग दीज ऑप्शंस द राइट आंसर इज योर MS5। इन द मस्कमेलन है 5 रिसेसिव जीन रिपोर्ट किए गए हैं मेल स्ट्रेटी के जो कि GMS बेस्ड है जीनिक मेल स्ट्रेटी है। दैट इज योर MS1 MS2 MS3 MS4 एंड MS5। तो जो MS1 है उसको यूज करके एक हाइब्रिड भी रिलीज किया गया पंजाब के द्वारा, दैट इज योर पंजाब हाइब्रिड 1 दैट इज MS1 इनटू हरामधु का क्रॉस है वो। सो एनीवे हियर द राइट आंसर इज MS5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ब्लैक रॉट रेजिस्टेंस जीन इन कॉलीफ्लावर। ब्लैक रॉट जो है वो बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है कॉलीफ्लावर में कॉल क्रॉप्स में विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ओके, तो ये जो ब्लैक रॉट का रेजिस्टेंस जीन कौन सा है, तो अभी रिसेंटली जीन मैप किया गया है ब्लैक रॉट के लिए दैट इज योर XCA1BC। सो इसका मतलब जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ओके, बीसी मीन्स ब्रासिका कैरिनेटा में आइडेंटिफाई किया गया है जो रेजिस्टेंस सोर्स है, ये XCA1BC जो ब्रासिका कैरिनेटा का जो सोर्स है उसमें आइडेंटिफाई किया गया है। एक और है XCA1BO वो ब्रासिका ओलिरेशिया के सोर्सेज में एसेशन में फाइंड आउट किया गया वो वाला जीन, बट ये वाला जो है ब्रासिका कैरिनेटा के सोर्सेज में फाइंड आउट किया गया। सो एनीवे हियर द राइट आंसर इज XCA1BC। ओके, द मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन कॉलीफ्लावर व्हिच कॉजेस बीप टेल इट इज मोर प्रेवेलेंट इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल। तो जो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है कॉलीफ्लावर में ये मेनली एसिडिक सॉइल्स में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल टू मेल रेशो इन टोमेटो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज। फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए टोमेटो में फीमेल टू मेल रेशो कितनी होनी चाहिए, सो दैट इज योर 12:1 12 जो है वो फीमेल एंड 1 इज योर मेल लाइन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेबल क्रॉप ग्रोन एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा। तो नासा ने कौन सी वेजिटेबल जो है वो ग्रो की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। सो द फर्स्ट वेजिटेबल टू बी ग्रोन एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वॉज योर लेटस। ओके, अभी रिसेंटली नासा साइंटिस्ट ने अभी रेडिश की रूट्स भी हार्वेस्ट की हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एंड जिसका जो मेनली लेक्चर है हमारी चैनल पे अवेलेबल है ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द आउटर वर्ल्ड और ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द स्पेस,
इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक लेक्चर्स भी है हमारे चैनल पे, तो यू कैन गो थ्रू दैट। सो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कैबेज। तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कैबेज हमें पता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो जो फाउंडेशन सीड होता है उसके लिए 1600 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रिकमेंडेड है, और जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए 1000 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रिकमेंडेड है कैबेज में। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ स्टॉक रॉट रेजिस्टेंस इन कॉलीफ्लावर। स्टॉक रॉट जो कि विच इज कॉज्ड बाय स्कैरलोटिन या स्कैलोशियोरम, तो बहुत ही एक डिवास्टेटिंग डिजीज है स्पेशली इन द सीड क्रॉप में, जब हम सीड क्रॉप पर्पज के लिए लगाते हैं तो होल प्लांट एक्चुअली इट गेट्स ड्राई अप, और जो स्कैलोशिया होते हैं वो 2-3 साल तक जो सॉइल में वाइबल रहते हैं। स्पेशली हम बात करें तो हाई रेनफॉल या हाई मॉइस्चर कंडीशन हो तो डेटर कंडूसिव फॉर द दिस स्टॉक रॉट। तो ये जो स्टॉक रॉट है इसकी जो रेजिस्टेंस है डेट इज गवर्न बाय पॉलीजेनिक रिसेसिव, तो इनहेरिटेंस जो है इसकी पॉलीजेनिक रिसेसिव। द सेग्रीगेशन रेशियो फॉर द मोनोजेनिक ट्रेड्स इन द रेज रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस में जो सेग्रीगेशन रेशियो होती है मोनोजेनिक ट्रेड के लिए वो कितनी होती है, डेट इज योर 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सीड एक्सट्रैक्शन टोमेटो फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। हमें पता है टोमेटो में डिफरेंट हार्वेस्टिंग स्टेजेस है, मैच्योर ग्रीन है, ठीक है, टर्निंग या ब्रेकर है, पिंक स्टेज है, रेड राइप है, हार्ड राइप है, ओवर राइप स्टेजेस है। तो जो सीड एक्सट्रैक्शन के लिए टोमेटो फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जाता है रेड राइप स्टेज पे, ओके, तो हेयर द राइट आंसर इज रेड राइप स्टेज। विच वेजिटेबल इज नोन एज द किंग ऑफ वेजिटेबल्स, इट्स सिंपल, दैट इज योर पोटैटो इज नोन एज द किंग ऑफ वेजिटेबल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्सिंग इज मोस्टली फॉलोड इन। तो बैक्सिंग मोस्टली आप ये ध्यान रखिएगा मेनली फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं और इसमें मोस्टली फॉलोड की जाती है, सो इन दैट केस हेयर द राइट आंसर वाज योर ब्रिंजल। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड इन NSC जो है दैट वाज कब इस्टेब्लिश किया गया था NSC को, तो 1963 में, ओके। नेक्स्ट इज अनियन इन अनियन फॉर द ब्रीडर सीड प्रोडक्शन विच मेथड इज फॉलोड। ब्रीडर सीड हमें पता है कि इट शुड बी जेनेटिकली एंड फिजिकली 100% प्योर, सो द फॉर द क्वालिटी सीड और ब्रीडर सीड या स्टॉक सीड और यू कैन से द न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन द बल्क टू सीड मेथड इज फॉलोड, दैट इज रिकमेंडेड बिकॉज हेयर द चांसेज ऑफ रॉगिंग आर देयर, वी कैन रिमूव द ऑफ टाइप प्लांट्स, ठीक है, एंड जितने भी डिजीज प्लांट है उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, तो हेयर द चांसेस ऑफ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन आर क्वाइट हाई, सो फॉर द क्वालिटी और वी कैन सी दैट ब्रीडर सीड प्रोडक्शन बल्क टू सीड मेथड इज फॉलोड। नेक्स्ट इज अर्का हर्षिता इज द वैरायटी ऑफ, जो अर्का हर्षिता है वो ब्रिंजल की वैरायटी है, ओके। पूसा प्रगति इज द वैरायटी ऑफ, पूसा प्रगति जो हमारी गार्डन पी की वैरायटी है। नेक्स्ट इज अर्का प्रगति किसकी वैरायटी, तो अर्का प्रगति जो वैरायटी है अनियन की दैट इज सुटेबल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी दोनों सीजन के लिए सुटेबल है, खरीफ के लिए, रबी के लिए या दोनों सीजन के लिए, तो दोनों सीजन के लिए सुटेबल है अर्का प्रगति। एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड इन स्वीट पोटैटो में कौन से एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होता है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आर फाउंड इन स्वीट पोटैटो, दे आर एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड। हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट कौन सी वेजिटेबल्स में पाई जाती है, तो वेजिटेबल्स में स्प्रोटीन ब्रोकली में हमें पता है हाईएस्ट वेजिटेबल रेस्पिरेशन रेट होती है, बट स्प्रोटीन ब्रोकली में भी डिफरेंट ऑप्शन दे दी थी उन्होंने, दैट इज स्प्रोटीन ब्रोकली एट मेच्योरिटी स्टेज ऑफ ब्रोकली एट वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, तो यहाँ पे राइट आंसर है एट मेच्योरिटी ऑफ ब्रोकली, ओके, एट मेच्योरिटी ऑफ ब्रोकली जो रेस्पिरेशन रेट होगी जो सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो रेस्पिरेशन रेट इन वेजिटेबल मीन्स, तो वेजिटेबल्स को रेस्पिरेशन रेट के ऊपर क्लासीफाई किया गया है, तो लो रेस्पिरेशन मीट लेस देन 40 mg कार्बन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व होती है पर kg पर आवर में, सो दैट इज मीन्स द लो रेस्पिरेशन रेट। लो रेस्पिरेशन रेट हमारी पाई जाती है अनियन में, पोटैटो में, एंड वेरी हाई इन द योर ब्रोकली लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज इज नोन एज CA स्टोरेज। CA मींस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, वेयर देयर इज हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, सो CA स्टोरेज इज योर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। नेक्स्ट इज पूसा बिदाना इज द वैरायटी ऑफ, पूसा बिदाना जो है सीडलेस वैरायटी है वाटरमेलन की, दैट इज द वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। पूसा रसधर इज द वैरायटी ऑफ, पूसा रसधर जो है वो बिटर गोर्ड की वैरायटी है, एंड ये जो पूसा रसधर वैरायटी दैट इज आल्सो वेरी मच सुटेबल फॉर द नेट हाउस कल्टीवेशन ऑफ बिटर गोर्ड, ओके। नेक्स्ट इज वाइट फ्लावरिंग कोकरबिट कौन सा है, तो वाइट फ्लावरिंग कोकरबिट इसमें से है योर स्नेक गोर्ड इज योर वाइट फ्लावरिंग कोकरबिट। बिटर गोर्ड में भी वाइट कलर के फ्लावर होते हैं एंड स्नेक गोर्ड में भी ये आपके वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। द गाइनोशियस लाइंस इन कोकुम्बर दे आर मेंटेन्ड बाय
तो दे आर मेंटेन बाय एप्लीकेशन ऑफ GA3, लगभग 1500 टू 2000 ppm ऑफ GA3 हम यूज करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गाइनोसिस लाइन इन कोकुम्बर। अदर ग्रोथ रेगुलेटर आर आल्सो यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स लाइक योर सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर थायोसल्फेट है, बट मोस्टली सिल्वर थायोसल्फेट यूज किया जाता है वहाँ पे। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट होल्स सिम्टम इन कॉलीफ्लावर कॉज्ड बाय। शॉर्ट होल सिम्टम जो है वो किसके अटैक से होते हैं, किसकी फीडिंग से होते हैं, तो डायमंड बैक मोथ, DBM इज डायमंड बैक मोथ, जो कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग पेस्ट है कॉल क्रॉप्स का, प्लूटेला जाइलोस्टेला इसका बोटेनिकल नेम है। तो जब ये फीड करता है तो शॉर्ट होल सिम्टम्स अपीयर होते हैं कॉलीफ्लावर लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो वॉज डेवलप टू प्रोड्यूस द वायरस फ्री सीड ट्यूबर्स इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। सीड प्लॉट टेक्निक, क्योंकि जो नॉर्मल अदरवाइज दो सीड प्रोडक्शन जो पोटैटो की होती है दैट इज पॉसिबल इन द हिली रीजन ओनली, एंड द प्लेन रीजन देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एफिड्स एंड वायरल डिजीजेस। सो दैट्स वाई सीड प्लॉट टेक्निक वॉज रिकमेंडेड, ओके, टू प्रोड्यूस द वायरस फ्री सीड इन द वायरस फ्री सीड्स ऑफ पोटैटो इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CFTRI इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। CFTRI जो है ये जो है CSIR का इंस्टीट्यूट है, ये ICR का इंस्टीट्यूट नहीं है, बट इन डिफरेंट एग्जाम्स यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू CFTRI। अभी रिसेंटली जो नेट का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, और आई थिंक लास्ट ईयर के एग्जाम्स में इसका पूछा गया इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो CFTRI जो है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1950। पेटालोटाइप मेल स्टडी इज फाउंड इन कैरेट में। कैरेट में दो मेन टाइप की मेल स्टडी फाइंड आउट की जाती है, पेटालोटाइप और ब्राउन एथर टाइप। और भी होती हैं जैसे कि गडेशी होती है, मार्स EMS टाइप है, बट मेनली पेटालोइड एंड ब्राउन एथर टाइप जो है वो फाइंड आउट की जाती है कैरेट में। और इसमें जो कमर्शियली यूज्ड होती है दैट इज योर पेटालोटाइप मेल स्टडी इज कमर्शियली यूज्ड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कैरेट। द ब्लांचिंग ऑफ लीफ पेटियोल इज फॉलोड इन विच वेजिटेबल। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज योर सेलरी। एशियाटिक टाइप वैरायटी ऑफ टर्निप दैट इज योर पूसा सबेती, जो एशियाटिक वैरायटी है टर्निप की। जर्मिनेशन इन गार्डन पी, गार्डन पी में जर्मिनेशन जो होती है वो हाइपोजियल होती है। द सीड प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप नॉट पॉसिबल इन द प्लेन्स। तो इसमें से राइट आंसर इज योर बीट रूट। बीट रूट जो है आप ये भी याद रखिएगा, बीट रूट इज द टिपिकल टेम्परेट वेजिटेबल है, ओके, एंड इट्स सीड प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द प्लेन्स, इट्स सीड प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द हिली रीजन्स। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग इन टर्निप इज कॉज्ड बाय। टर्निप में जो स्प्लिटिंग होती है वो क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द हैवी इरीगेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग ड्राउट। लो चिलिंग इज एसेंशियल फॉर बोल्टिंग इन विच क्रॉप। तो लो चिलिंग आप देखें तो टर्निप में भी हमारे एशियाटिक टाइप अवेलेबल हैं, कॉलीफ्लावर में भी एशियाटिक टाइप अवेलेबल हैं, रेडिश में भी, ठीक है। तो कैबेज में मेनली जो है लो चिलिंग जो रिक्वायरमेंट जो वो ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द बोल्टिंग। तो राइट आंसर इज योर कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नलाइजेशन इन कैबेज फॉर ए पीरियड ऑफ। बर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट जो होती है कैबेज में फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग और इंडक्शन ऑफ बोल्टिंग इन कैबेज। सो उसका कितने टाइम के लिए चाहिए होती है, लगभग 4 to 6 और हम कह सकते हैं 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स। तो हेयर द राइट आंसर इट शुड बी मोर देन 40 days, यू कैन से दैट, ओके, ये 4 to 8 वीक्स तक चलता है। तो हेयर मोर देन 40 days इज द राइट आंसर है। डबल बीन, डबल बीन जो वो किसका एक्रोनिम है, डेट इज योर लिमा बीन को जो हम डबल बीन भी कहते हैं, इसको हम बटर बीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक स्पेक इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ब्लैक स्पेक जो है वो स्वीट पोटैटो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सिमेटिक क्रोमसोम नंबर इन ओकरा, सिमेटिक क्रोमसोम नंबर है ओकरा में जो होते हैं 130 होते हैं, ओके। ओकरा हमें पता है एक नेचुरल एम्पी डिप्लॉइड है। फेविज्म एलर्जिक प्रॉब्लम इज लिंक्ड विद, जो फेविज्म होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्चुअली दैट इज ड्यू टू ब्रॉड बीन, इसका साइंटिफिक बोटैनिकल नेम भी BCF-FABA होता है। तो वहां से यहाँ पर एक हिंट रख सकते हैं लिंक याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर लाइन्स आर, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्योर लाइन क्या होती है, होमोजाइगस एंड होमोजीनस होती हैं, ओके। उसी तरह जो सिंथेटिक एंड कंपोजिट होते हैं वो हेटरोजाइगस एंड हेटरोजीनस होते हैं, बट प्योर लाइन्स आर होमोजाइगस एंड होमोजीनस। फॉर द ट्रांसफर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओलिगोजेनिक ट्रेट्स विच मेथड इज फॉलोड। तो नेचुरली फॉर द जीन ट्रांसफर बी फॉलो द बैक्रॉस मेथड। तो हियर राइट आंसर इज योर बैक्रॉस। हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज फाउंड इन, तो जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होते हैं वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं, सिंगल क्रॉस के बाद जो थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड होते हैं, एंड उसके बाद दे आर फॉलोड बाय द डबल क्रॉस हाइब्रिड, ओके। तो सिंगल क्रॉस जो हाइब्रिड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है।
The ideal storage temperature for the pea is, that is 0 degree centigrade. The degree disease maturity index of here, the right answer is okra, cabbage, potato, radish. So right answer is your okra. Grain amaranth species. Grain amaranth ki species kaun si hai? That is your Amaranthus hypochondricus. There are two other grain amaranth species. That is your Amaranthus cruentus and Amaranthus caudatus. Wo bhi jo hai wo grain amaranth ki species hai. Aur second thing is ye jo Amaranthus hypochondricus hai. It is also day neutral species. Okay. Aur ye jo question hai bhi net ke 2021 exam mein pucha gaya tha. Bean pollinated crop kaun si hai? Bean pollinated crop hai hamari amaranth. जो है वो बिंड के द्वारा इसमें पोलिनेशन होती है. एडिबल पार्ट कौन सा होता है जेरुसलम आर्टिचोक में? दैट इज योर ट्यूबर. ये क्वेश्चन जो है नेट 2021 एग्जाम में भी पूछा गया था वेजिटेबल साइंस. तो एडिबल पार्ट जो होता है जेरुसलम आर्टिचोक में, दैट इज योर ट्यूबर. द ओरिजिन ऑफ कॉलीफ्लावर, तो हेयर द राइट आंसर इज साइप्रस इज कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन ऑफ कॉलीफ्लावर. द बाइल प्रोजेनिटर ऑफ कॉल वेजिटेबल्स इज नेचुरली फाउंड इन, तो बाइल प्रोजेनिटर जो है कॉल वेजिटेबल्स का वो कंसिडर किया जाता है ब्रासिका ओलेरेशिया बार सिल्वेस्ट्रिस, जिसको हम बाइल कैबेज भी कहते हैं, क्लिफ कैबेज भी कहते हैं. एंड दैट इज नेचुरली फाउंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलीफ्लावर प्रोजेनिटर इज, प्रोजेनिटर ऑफ कॉलीफ्लावर कौन सी स्पीसीज? दैट इज योर ब्रासिका क्रेटिका. ओके, नेक्स्ट चोचो बिलोंग्स टू द फैमिली कुकुरबिटेसी. बेनिन कासा हिस्पिडा इज बोटेनिकल नेम ऑफ योर एक्स गोड या बैक्स गोड जिसको कहते हैं, ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. गजेंद्र किसकी वैरायटी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आईसीआर नेट में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और अभी रिसेंटली भी 2021 के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था. सो गजेंद्रा जो है वो एलिफेंट फोटियाम की वैरायटी, ई एफ वाई मीन्स एलिफेंट फोटियाम. पिग बीट इज योर चिनोपोडियम एल्बम. नॉन हेडिंग टाइप चाइनीज कैबेज कौन सी होती है? डेट इज योर पक चोई जो होती है वो नॉन हेडिंग टाइप होती है. ब्रासिका कैम्बेस्ट्रिस वर चाइनेंसिस. ओके, पिथिनेस किसका डिसऑर्डर है? पिथिनेस इसमें रेडिश का डिसऑर्डर रूट क्रॉप्स में, रेडिश और कैरेट में फाइंड आउट किया जाता है पिथिनेस. बैरियर टू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन कोकुमिस, तो डेट इज योर स्टिग्मेटिक स्टरिलिटी जो है वो मेन बैरियर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोकुमिस स्पीसीज में. द क्यूरिंग ऑफ बल्बिन अनियन इज डन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन, ठीक है, फ्रॉम द स्किन नॉट फ्रॉम द फ्लैश बट फ्रॉम द स्किन. देन फ्रेग्रेंट स्पीसीज ऑफ अनियन कौन सी है? डेट इज योर एलियम ट्यूबरसम. मेल स्टडी सोर्स कौन सा है ब्रिंजल में? तो बाइल सोर्स ऑफ मेल स्टडी इन ब्रिंजल में, डेट इज योर सोलेनम एंगुइबी से मेल स्टडी जो वो ब्रिंजल में ट्रांसफर की गई है. भुट जलोकिया द हॉटेस्ट पेपर, इट बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? ये भुट जलोकिया जो है वो हाईली पंजेंट चिल्ली है, मेनली हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पे फाइंड आउट की जाती है. एंड इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज कैप्सिकम चाइनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथोसाइनिन कंट्रोलिंग जीन इन टोमेटो, तो हेयर द राइट आंसर इज ए एफ टी. वन इज योर ए एफ टी एंड देर इज अनदर जीन दैट इज योर ए टी बी. बोथ ऑफ दीज जीन्स कंट्रोल द एंथोसाइनिन कंटेंट इन टोमेटो, बट हेयर द राइट आंसर इज योर ए एफ टी. बट आप याद रखिएगा ए टी बी भी एक और जीन है. द सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर द अनियन सीड स्टोरेज इज दैट इज योर 6.5%. The certification agency for the tissue culture raised propagules in India. तो जो national certification system है NCS जो है for the plant tissue cultures के लिए, तो वो दिया जाता है जो हमारी government of India के द्वारा. government of India में भी कौन सी agency मिली? That is your DBT. It's not DST or ICAR or Department of Agriculture, but it's DBT. DBT means Department of Biotechnology. So, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी है फॉर द टिश्यू कल्चर रेस्ड प्रोपेगुल्स के लिए इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया ड्यूरिंग, टोमेटो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1828 में बाय द रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलकत्ता. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टोमेटो को इंडिया में 1828 में. द मैकेनिजम्स फेवरिंग द क्रॉस पोलेशन को कौन से मैकेनिज्म फेवर करते हैं? मोनोशी, डायोसी या मेल स्टेरिलिटी? सो ऑल ऑफ दिस मैकेनिज्म दे फेवर द क्रॉस पोलेशन. कालमेघ किसकी वैरायटी है? कालमेघ जो है हमारी स्वीट पोटैटो की वैरायटी है. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स इन रेडिश, सो ग्लूकोसिनोलेट जो होते हैं वो मिरोसिनेज जो एंजाइम है, इसका राइट आंसर जो मिरोसिनेज है. तो ये जो मिरोसिनेज एंजाइम है ग्लूकोसिनोलेट को ब्रेक डाउन कर देता है डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आइसोथायोसाइनेट्स हो गए, थायोसाइनेट्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देता है ये मिरोसिनेज एंजाइम जो होता है कोलक्रॉस में भी और रेडिश में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैट मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू विच ग्रुप, दो फैट मॉलिक्यूल्स नेचुरली दे बिलोंग टू लिपिड ग्रुप.
कांजी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिच कैरेट वरायटी, कांजी जो हमेशा ब्लैक कैरेट से बनता है कांजी, तो यहाँ पे ब्लैक कैरेट की वरायटी इज योर पूसा अशिता, तो राइट आंसर इज पूसा अशिता। आइडियल सीड प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैबेज कौन सा है, दैट इज योर हेड इंटैक्ट मेथड। द एमएलओ डिजीज वेक्टर, एमएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसका वेक्टर कौन सा होता है, तो ये मेनली लीफ ऊपर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। द जीन ई आर वन इज लिंक्ड विथ, जो ई आर वन जीन जो है दैट इज लिंक्ड विथ पॉटरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस इन गार्डन पी, तीन जीन है एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ई आर वन ई आर टू ये दोनों रिसेसिव है, और रिसेंटली ई आर थ्री जो कि डोमिनेंट जीन है वो भी फाइंड आउट किया गया है अभी रिसेंटली फॉर द पॉटरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस इन गार्डन पी। जो ई आर थ्री है उसका जो सोर्स है दैट इज योर पाइसम फुलबम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बटर मेलन कैन क्रॉस विद योर राउंड मेलन, ठीक है, क्योंकि टर्निप तो टोटली डिफरेंट जीनस है, मस्कमेलन आल्सो डिफरेंट जीनस है, बट हेयर इज सम बट रिलेटिविटी, तो बटर मेलन कैन इजिली क्रॉस विद योर राउंड मेलन, राउंड मेलन इज योर प्रेसिट्रुलस पिस्टुलोसस इजंट इट, एंड बटर मेलन इज योर सिट्रुलस लिनाटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लायर अनियन इज ग्रोन थ्रूआउट द ईयर इन, कौन सी स्टेट में मल्टीप्लायर अनियन जो वो सारा साल ग्रो किया जाता है, तो दैट इज योर तमिलनाडु में। ड्राइंग रेशियो इन द पूसा भाइट राउंड अनियन, जो पूसा भाइट राउंड अनियन है दैट इज सुटेबल फॉर द डिहाइड्रेशन पर्पज के लिए, एक्चुअली जो व्हाइट कलर के कल्टीवार होते हैं दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर द डिहाइड्रेशन पर्पज इन अनियन, तो इसमें ड्राइंग रेशियो कितनी होती है, 8:1। मिथियोनिन किसका प्रिकसर है, मिथियोनिन इज द प्रिकसर ऑफ इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, जिंक जो है वो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मेनली यहाँ पे आईए इंडोल एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। पूसा बरखा जो कोकुम्बर की वरायटी है दैट इज सुटेबल फॉर विच सीजन, तो ये खरीफ सीजन के लिए सुटेबल है। बिटरनेस इन ब्रिंजल किसकी वजह से होती है, सोलिसोडिन की वजह से होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ पेडिसेल, एक्चुअली जब फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर होती है, व्हेन टेम्परेचर इज हायर और लोअर देन द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, और व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एस्पेशली द हाई टेम्परेचर, सो जो पेडिसेल होती हैं जो इलोंगेट कर जाती हैं, ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द राइसिनेस। ग्रीनिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो में, कैप्साइसिन केमिकल इज C18H27NO3, जो इसका कैप्साइसिन का फार्मूला होता है। पूसा सफेद बैंगन किसकी वैरायटी है, नेचुरली ब्रिंजल की वैरायटी है। पूसा हरा बैंगन जो नाम से सजेस्ट हो रहा है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी है ब्रिंजल की। बिसेल्ला इज प्रोपेगेटेड बाय, बिसेल्ला जो सीड से भी प्रोपेगेट होता है और स्टेम कटिंग से भी प्रोपेगेट होता है, तो हेयर यहाँ पे तो सीड वाला ऑप्शन नहीं था, तो हेयर राइट आंसर इज योर स्टेम कटिंग। एस्पेरेगस की फैमिली कौन सी है, एस्पेरेगस जो मोनोकोट क्रॉप है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसाबा में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, तो कसाबा में HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड जो पाया जाता है, साइनाइड जो मतलब जो साइनिक एसिड जो होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड वो पाया जाता है कसाबा में, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंस। 3N ब्यूटाइल पैथालाइड इज फाउंड इन, ये कंपाउंड पाया जाता है सेलरी में, दैट इज यूजफुल फॉर द हाइपरटेंशन। ओके, जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए सेलरी जो वो दैट इज वेरी यूजफुल। एंथेसिस इन द स्पॉन्ज गॉड में एंथेसिस कब होती है, मॉर्निंग है, और रिज गॉड में नाइट में होती है, ठीक है। आकाशीन किसका डिसऑर्डर है, आकाशीन जो वो रेडिश का डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। बिप्टेलिन कॉलीफ्लावर किसकी डेफिशिएंसी होती है, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है। पोटैटो स्कैब इज फेवर्ड इन, पोटैटो स्कैब जो वो अल्कलाइन सॉइल्स में मेनली होता है, ठीक है, तो पोटैटो स्कैब इज फेवर्ड बाय अल्कलाइन सॉइल्स। विच इज नेचुरल एम्फी डिप्लॉयड, कौन सी क्रॉप है, दैट इज योर ओकरा। हकुरन जो वो मैन मेड वेजिटेबल है, याद रखना द मैन मेड वेजिटेबल इज हकुरन। ओके, एंड ओकरा इज योर नेचुरल एम्फी डिप्लॉयड। इस्टा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इस्टा यानी के इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, तो 1924 में इट वॉज फाउंडेड। पचरंगा इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये कॉलीफ्लावर का प्रोडक्ट है, पचरंगा और सतरंगा जो वो कॉलीफ्लावर के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथोसाइनिन रिच रेड कलर्ड वैरायटी ऑफ ओकरा, तो ओकरा की एक नई वैरायटी रिलीज हुई है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो दैट इज योर नेम से सजेस्टेड, दैट इज योर काशी लालिमा, काशी लालिमा जो रेड कलर की वैरायटी है ओकरा की। ओके, फेमस ड्राइड प्रोडक्ट ऑफ एशगोर्ड का हमें पता है, एशगोर्ड जो पेठा होता है, पेठा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज योर कैंडी। ओके, एनिमोफिली इज फाउंड इन, इसमें से किस क्रॉप में एनिमोफिली फाइंड आउट की जाती है, कैरेट में भी एंटोमोफिली होती है, अनियन भी, रेडिश भी एंटोमोफिली होती है, जो बीट लीफ होता है दैट इज एनिमोफिलस, एनिमोफिली मीन्स बिंड पोलिनेशन। ओके, क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो हमें पता है हेक्साप्लॉइड होता है,
तो इट्स नॉट 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90 नहीं है, इट्स 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 90, इट्स हेक्साप्लॉइड। ओके, कैविटी स्पॉट एंड कैरेट किसकी डेफिशिएंसी होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है। जीनोम साइज कितना होता है? सॉरी इट्स नॉट पोटैटो, इट्स टोमेटो। ओके, इट्स टोमेटो, सो इसका होता है 950 MB होता है, इट्स टोमेटो। मैन मेड कोकुमिस कौन सा है? डेट इज योर कोकुमिस हिटिबस, जो कि बना है कोकुमिस सेटाइबस और कोकुमिस हिस्ट्रिस के क्रॉस से बना है कोकुमिस हिटिबस। ओके, द ब्रेड ऑफ द ट्रॉपिक किसको कहा जाता है? द ब्रेड ऑफ द ट्रॉपिक कहा जाता है हमारे कसाबा को। लेट्यूस ड्रॉप किसके द्वारा होता है? तो लेट्यूस ड्रॉप होता है मेनली, नो इट्स नॉट एबायोटिक स्ट्रेस बट इट्स ड्यू टू द स्केलोटेनियस स्केलोशियरम से होता है जो लेट्यूस ड्रॉप होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर एंड आई होप आपको कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें एंड आई एम प्रिटी श्योर डेट दिस क्वेश्चन दिस वुड बी वेरी यूजफुल फॉर द वेरियस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर द आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम और आईसीआर नेट एग्जाम इन द डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर। So please stay with us and please connect, stay in touch with us and subscribe our channel. Thank you very much.